खबर मलारगढ़ से। मलारगढ़ भाजपा मंडल का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। मलारगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल का प्रशिक्षण वर्ग विजयवर्गीय धर्मशाला में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं मंसूर कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष बंशीलाल गुज्जर, प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे विधायक प्रतिनिधि रमेश चंद विजयवर्गीय, धुंडड़का मंडल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम चौधरी, मल्लारगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे रमेश चंद विजयवर्गीय का स्वागत मंडल भाजपा अध्यक्ष मल्लारगढ़ जितेंद्र जाट ने भाजपा का केसरिया दुपट्टा पहनाकर किया एवं उनका परिचय दिया। मुख्य वक्ता बंशीलाल गुज्जर का परिचय रमेश चंद विजयवर्गीय ने दिया एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मुख्य वक्ता बंशीलाल गुज्जर ने उपस्थित भाजपा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और देश आजाद हुआ उसके बाद जनसंघ की स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने एवं पंडित दीनदयाल इसके महामंत्री बने और श्री गुज्जर ने जनसंघ से लगाकर भाजपा तक एवं अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल एवं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल का विस्तार से कार्यकर्ताओं को समझाया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व अध्यक्ष वृत्ताकार सोसाइटी ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उज्जैन ग्रामीण भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे। विषय था भाजपा और अपना दायित्व के विषय पर तेज बहादुर ने विस्तार से कार्यकर्ताओं को समझाया और कहा कि अपना दायित्व पार्टी के प्रति क्या होना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादारी से कार्य करें एवं आम जनता तक पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों को पहुंचाए। तीसरे सत्र की अध्यक्षता पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश रूपलाने की एवं मुख्य वक्ता सचिन सक्सेना संभागीय मीडिया प्रभारी भाजपा उज्जैन थे। विषय था सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। सक्सेना ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को कहा कि सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप इस प्रकार के सोशल मीडिया पर हम सभी कार्यकर्ता अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और पार्टी के विस्तार में सहयोग कर सकते हैं। चौथे सत्र की अध्यक्षता पूर्व पार्षद भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी मोहन सिंह कछावा ने की एवं मुख्य वक्ता सुवासा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार थे। विषय था भारत में मुख्य वैचारिक धारा एवं हमारी विचारधारा के विषय पर श्री पाटीदार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया और कहा कि देश के अंदर वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा एवं प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा कार्य कर रही है और उन सब में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की प्रखर राष्ट्रवाद है। आपने कहा कि हमारी विचारधारा की पूरे देश के अंदर प्रभावी रूप से फैल रही है और भाजपा पूरे देश के अंदर हर प्रांत के अंदर सर्वाधिक प्रांतों में हमारी सरकार है और देश के अंदर हमारी सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। यह विचारधारा की जीत है, प्रखर राष्ट्रवाद की जीत है। पांचवें सत्र की अध्यक्षता पूर्व सरपंच दयाराम डिगा ने की और मुख्य वक्ता नीमच भाजपा जिले के पूर्व महामंत्री, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महेंद्र भटनागर थे और विषय था हमारी कार्य पद्धति एवं संगठन में हमारी भूमिका के विषय पर अपना उद्बोधन देते हुए श्री भटनागर ने कहा, कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाते हुए कहा कि पार्टी हमारी माँ है और अगर हम कोई पार्टी विरोधी कार्य करते हैं तो माँ को दुख पहुँचता है और पार्टी के पक्ष में अच्छा कार्य करते हैं तो माँ की प्रशंसा होती है। अतः हम सभी कार्यकर्ता अपनी माँ के प्रति वफादार रहे और पार्टी का ईमानदारी से कार्य करें एवं कार्यकर्ताओं को उनके कार्य करने की क्षमता के अनुसार ही उनको काम दें एवं कार्य की समीक्षा करें एवं पार्टी को विस्तार दें और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपन घर घर तक पहुंचाना है, यही हमारा दायित्व है और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशिक्षण शिविर में प्रथम दिन ये उपस्थित थे भाजपा मंडल महामंत्री नीरज जोशी, डॉक्टर मुकेश उपाध्यक्ष, समृद्ध गहलोत, कमल सिंह शक्तावत मंडल महामंत्री, धर्मेंद्र मंडल मीडिया प्रभारी एवं पूर्व पार्षद मोहन सिंह कछावा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शिवलाल जोशी मल्लारगढ़ आदि उपस्थित एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मल्लारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट।
कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।